ये कसाई आप। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वी आर वॉचिंग तुषार सिंह ऑफिशियल चैनल। तो गाइस आज कमाल हो गया, धोती पाड़ के रुमाल हो गया, कुछ ऐसी बात तो बहुत जोरदार ग्लेशियर की हवा डायरेक्ट पहाड़ों से टकराती हुई ये क्या हमारे साथ खड़ी थी, ये सारे जीवन चले गई। ये देख सकते हो आप, आज हमारे साथ बहुत खतरनाक सीन हो गया भाई। बहुत बढ़िया चल रही है भाई, आज सीन हो गया। तो इसकी बात तलाब तुम्हें आयुष भाई बताएगी कि क्या सीन हुआ क्या सीन नहीं हुआ। आयुष भाई कुछ ज्यादा स्वीट स्वीट आदमी है तो बताओ जी, बात क्या बात है। एक बार की बात है साहब, इंस्टाग्राम नाम का एक वो होता है, अच्छा मैं स्वीट आदमी हम दोनों के बीच पड़ेगा। वो स्वीट आदमी को पता नहीं कैसे पता लग गया कि आज हम यहाँ पे, वो यहाँ आ गए। पूरी बात तलाश बताओ भाई, सबसे पहले किसके आज कैसे क्या हुआ था भाई। स्वीट आदमी ना आते सबसे पहले मेरे को मैसेज, स्वीट आदमी सबसे पहले आके मेरे को मैसेज करा। सॉरी गाइस, थोड़े क्या हुआ वजह से, स्वीट आदमी ने पहले मेरे को मैसेज करा, मैंने देखा नहीं, इग्नोर मार दिया। फिर एक दोस्त के आईफिल टावर बना हुआ, उसकी झरोके से देख रहा था मेरे को, मैंने देखा मैंने उसको फुल इग्नोर मारा। नीचे नहीं, हनुमान जी वाला नहीं, हनुमान जी वाला पोज मत करे बैगन। फिर स्वीट आदमी ने तुषार को मैसेज करा। मैं तो सीन ही नहीं गया भाई, तू जाके पास पास जाके बोलता है, बोलो उधर मत देखना वो बैठा हुआ है। मैंने मेरे को पहले ही बताया कि वो बैठा हुआ है। तो गाइस सीन ऐसा हुआ था, उसने मुझे मैसेज किया था, मैंने पहले देख लिया, फिर मैंने उसको बुलाया, उसको बुला के बताया कि ऐसा हो गया बैगन सीन। क्या क्या इसको मैं बुलाया, इसको बुलाया मेरे के जरा बैगन एकदम से मत देखियो, देख ऐसा देख वहाँ पर देख कोई बैठा है। तो भाई मेरे पास मैसेज आया था भाई, क्या आया था भाई, आपको जार जावे ऐसे कुछ। तो फिर मैंने आयुष भाई की आईडी दे दी, मैंने कहा ये बंदा है मेरे पीछे पड़वा दे जबरदस्ती। फिर जो उसको जोरदार जोरदार फोटो भेजा, बोला मैडम लंबा और टांगे वाले और क्या लेगा रे पूरा। ठीक है भाई, स्वीट आदमी धैना से मैं ही भाई, लव एट फर्स्ट बाइट। हां लव एट फर्स्ट। फिर उसके बाद ये सीन हुआ भाई, हम आए एस्ट्रो, तो मेरे पास प्लेक्ट्रम नहीं थे, मैं प्लेक्ट्रम लेने चले गया था चार में। तो भाई साहब को कम से कम नौ नौ करके एक क्रिकेट टीम आई हुई थी पूरी जीत के। हाँ क्रिकेट टीम ही हो, पूरी ट्रॉफी वगैरह रखे रहे बताया था। तो भाई दारू के बोतल वोतल रख के ये बचीड़ दे रहे दारू की बोतल, आयुष भाई को आते ही पकड़ लिया। और शायरी 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 मुशायरा ये वो, मैंने सर अभी चेक कर रहा हूँ माइक में थोड़ी देर, मैंने चेक कर लिया सब कुछ। मैं थोड़ा जैसे ही मैं आया ना, आयुष भाई को ऐसा दबोचा उन्होंने, वो तो बाहर ही नहीं आने दे रहा। फिर उसके बाद में कम से कम आधे घंटे तक आयुष भाई वहाँ, आधे घंटे बाद वो फिर आधे घंटे बाद हल्का सा मुड़कर आगे की तरफ गया एफिल टावर के नीचे। तो उस टाइम मेरे को छत्ती दबाने लगा दी भाई साहब मैं, और ये वहीं पे उस साइड खड़ी हुई थी, तो चक्कर में उनके चक्कर में मैं उस साइड देख ही नहीं रहा था, ये भी खड़ी हुई थी वहां पर। वैसा उनमें से गुंडा का आदमी, उसने मेरे को फरमाइश बताई, मेरे को उससे बोलने की ये भी मत नहीं, मेरी चार लाइन आती कम से कम 10 बार इग्नोर करा मैंने, फिर भी गाना गवाया उसने, चार लाइन गवाई ये वाला वाला ये यार सुन यार ए यार सुन। फिर गाना बताया बहुत जोरदार, अब भी जिंदा खुद जी ले, ये ऐसे ऐसे। तो भाई मेरे को गाना ही नहीं था, वो मुझे गाना ही नहीं था, इसलिए तो मैं आधा गा के खत्म कर दिया। मैं मुझे गाना पूरा आता था, इस बंदा ये बंदा भरमाई चब ऐसी आती ना अंटे संटे सी थोड़ी, तो ले दे के मेरे को पता तो आता है गाना अभी पता है मेरे को, पूरे अंतर याद है इसके, एयर से लेके आगे स्टार्टिंग ले एयर तक याद है, लेकिन मुझे गाना ही नहीं था उनके लिए। उनके चक्कर में जितने भी गेस्ट बैठे थे कम से कम सब जने नीचे चले गए, सब चिढ़ रहे थे उनके चक्कर, सब चिढ़ रहे थे। अल्टीमेट भाई साहब क्या शायरी लिखी है भाई, मुहावरा बताओ तो मुहावरा इसके बाद बनता है,
जिससे वाला है भाई। पहले तो गाइस तुम्हें वो फोटो दिखाते हैं जो मैंने बताई थी आयुष भाई की फोटो, वो दिखाते हैं भाई, वो फोटो मिल चुकी तो वो फोटो दिखाते आपको। तो हे गाइस मैं लेके आ चुका हूँ इतनी तड़कती भड़कती फोटो आयुष भाई की जो मैंने आपको बताई थी। मेरे भाइयों जी हाँ तुम भी और हाँ तुम भी ये फोटो देखोगे। तो गाइस मैं तुम्हारे लेके आ जाओ, तुम्हारा जिंदगी बिल्कुल अधूरी नहीं जान दूंगा, तुम्हारी जिंदगी का हर विजन में पूरा करवाऊ। जो फोटो देखने का विजन था वो मेरे हाथों में, और मैं तुम्हें थोड़ी देर में दुकान जाने वाले हूँ। जी देखो इस आदमी को, गौर से देखिए इस आदमी को। जी हाँ ज्यादा मत देखिए वरना नजर लगा दोगे तुम हमारे आदमी को। मात्र ₹5 लूंगा, फोटो बजे अपने ऑटो लाइक बढ़वा दिए थे, कम से कम 200-300 लाइक करवा दिए थे। 31 लाइक आई थी कतई आग मूतरे थे फॉलोवर्स, फ्रेंड्स फॉलोइंग बिल्कुल वायरल हो गई थी फोटो 31 लाइक पे ओनली। चलो इस पे ध्यान मत देना गाइस, ऐसी छोटी मोटी चीज होती है जिससे बड़ी बड़ी भी होती है हमारे साथ में। तो बने रही है ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे और इससे नीचे करके ये यहाँ पे ये गाइस देख सकते हो इसकी शक्ल नहीं दिखी। ये देखिए इसका ऊपर का माला गायब है, अब देखो नीचे जाते ये आ गए। इसकी पुच्ची लेने वाला था वो आके अंटसंट मैसेज करता है तुम दोनों हालांकि दोबारा लेनी पड़ जाती है। ब्लॉग देखता है वो या देख भी सकता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भाई दिल पे देख ले तू लेने के देने भी पड़ सकते थे भाई तुमको। कोई नहीं भाई तो भाई मुझे ऐसा ढूंढते उसको सारी डिटेल और पता है हमारी कि हम कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, ये चीज मेन चीज बड़ी बात। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट में। आज आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड होता है स्नैक्स वगैरह होते हो खाने सिखाता हूँ। सबसे पहले ऐसे लो, वाह यार। तो गाइस अंदर बचा रखी है इन्होंने जोरदार उधम पी के नाच रहे अनकंस्टेंट, कभी वो नाच रहा कभी ये नाच रहा कभी वो ना रहा, इसके डांस का मजे ही मजे। तो भाई हम भी डांस करो बैगन ड्रैगन पे। लो भाई डांस मौजूदा डांस सबका
दोस्तों ऊपर तो कुछ ज्यादा ही रोला सा कट रहा था, हम आ गए नीचे कि हमें थोड़ी सी शांति चाहिए थी हमारी, थोड़ी सी शांति मुझे भी चाहिए, शांति तुम्हें चाहिए, जाओ फिर वापस से 10वीं क्लास पढ़ के आओ मेरे स्कूल में। खैर अब तो कम से कम थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो गई, फाइनल ईयर में जाओ भाई फाइनल ईयर, अब क्या होता कॉलेज ही पास आउट हो गई, उतना याद नहीं मेरे को, 10वीं में थे मेरे साथ। शांति हमारा खाना लगा ना जस्ट यहीं पे, बस यहीं लगा दो आप हमारा खाना, ये देख लो ये दीदी हमारा बहुत ध्यान रखती है भाई, तो चाहे ना एक्सक्यूज मी बोल रही मेरे को, हाँ दे दिया ऑर्डर तो दे दिया हमने खाने का। तो गाइस हमारा फूड आ चुका है और ये आयुष ब्रह्मास्त्र पता नहीं कहीं खोया हुआ है, यही फोन में लगा पड़ा है, और ये बैगनी फोन पे लगी पड़ी भाई अपनी मम्मी से, मम्मी को आंटी को दिखा दो भाई, दिखा भाई आंटी को, हेलो आंटी कैसे हो, आंटी जी बढ़िया आप बताओ कैसे हो, आंटी जी व्लॉग बना रहा हूँ कुछ बोल दो बढ़िया सा, खुश हो खूब अच्छे से ऊंचाई पे तुम्हारा नाम हो समझे, पांच लोग हैं आंटी, नमस्ते थैंक यू सो मच, मेरी बात सुनो तो हाँ भाई आयुष ब्रह्मास्त्र कुछ कहना चाहोगे भाई तुम, सब रिकॉर्ड हो रहा भाई, मत डालो नाक मुंगली तुमसे मिला नहीं 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 भाई। तो भाई खाना आ चुका और ये दोनों फोन में लगे पड़े, दो लोगों के साथ भी होकर भाई मैं अकेला हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं सिर्फ स्लो साउंड चल रहे हैं, ये दोनों फोन में लगे पड़े और मैं आप लोगों से बात करने लगा, तुझे कितना चाहे और हम यहाँ, मेरी दाल मखनी आ चुकी है बहुत फेवरेट सब्जी मेरी दाल मखनी, और ये पनीर लवाबदार और ये आयुष लवाबदार, क्या बात आयुष मसालेदार मसालेदार भाई मसाला मसाला ले भाई, और ये फीकी सब्जी है भाई बैगन है भाई ये बैगन, तो चलो भाई खाना शुरू करते भाई, पकाया था खाना खाते हुए दिखाऊंगा भाई, और फूडी ब्लॉगर्स की तरह कुछ नहीं होता भाई फूडी ब्लॉगर बन जाते भाई, और अब भाई वो सारे के सारे नीचे आके डांस करे यहाँ गाने चला के तेज, फिर क्या करो तुम, क्या करो भाई लो एकदम नट काट लूंगा ऐसा बंद कर दो, ये लो ये औजार ठीक है, लगती भी खूनी थी तू तो डायन को आरोपी सी लगती है इतना भी मेरे को एक ऐसा लगता है एक तो क्राइम पेट्रोल या फिर साफ सन इंडिया बने हुए इसके ऊपर। तो गाइस ये आप बताओ क्या पढ़ा है भाई, क्या लिखा हुआ है भाई, हमने तो चाउस पढ़ा है भाई इसको, अब तुम पढ़ के बताओ भाई क्या है ये, हमने तो चाउस पढ़ा है इसको, जो पढ़ के बताया उसको तुषार जी की तरफ से 500 रुपए कैश पेटीएम, हाँ कैश 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 दुख, हाँ पेटीएम में तो दिक्कत, हाँ सॉरी कैश कैश मेरी दुकान पे से, वो भी 2-3 आदमियों के साथ मौजूद बकायदा टर्म्स एंड कंडीशन बाद में बताऊंगा मैं जब सामने आओगे, बकायदा फोटो खिंचवानी पड़ेगी भाई 500 का नोट लेते हुए, पढ़ के बताओ वापिस आता डालो भाई, दिखाओ तुम्हारा 56 की छाती, ठीक भाई देख लो ज़्यादा है क्या, ठीक है भाई आज कपड़े लेने गए थे, तो आज क्या हुआ जस्ट जहाँ पर कपड़े लेने गए थे ना आयुष भाई लेने गया था, तो मैं तो ऐसे ही देखने गया था, तो मैं भी ले लिया मुझे भी पसंद आया, तो क्या हुआ बढ़ते पहले जैसे उसका गेट ना सामने ना अंजू श्री करके ऐसा था, उसके अंदर क्या लहंगे वगैरह शोरूम था साड़ियों का शोरूम था,
उसमें लेडीज लेडीज था और इतनी बदतमीज लड़कियां सामने ही देख रही जस्ट यू और हम कब कर आयुष भाई कच्चे में मैं कच्चे में उसने बोला भैया दीदी देख रही ओ भाई और बताए क्या हम देख के यू कर रहे ना तो वो तो यू देख के यू ही कर रही यू नहीं कर रही हम देख के यू हो गए और कोने में हो गया तो वो दुकान वाला ही बोल रहा भैया कोई बात नहीं गेट वो बंद कर उसको चार कांच का गेट है ऐसा गेट है अगर बंद कर देंगे तो ऐसा लगेगा दुकान बंद हो गई मैं क्या क्या करूँ वो सामने से देखी जा रही है दीदी मैं कहा कोई बात नहीं एक जींस पहन कर देखी उसके बाद पता है ये नई वाली जींस पहनी मैंने उतारी नहीं यही पहन के आ गया ये मेरे को बोल रहे ये मेरे को बोल रहे ये तब से ही पहन रखी दुकान से ही पहन रखी फिर तैयार होकर आ गया हूँ हाई जो बोले पुरानी ये तो पहन रहे हो क्यों वो फालतू नहीं पहन के जा रहे हो मैंने कहा नहीं मैं ऐसे पहन जाता हूँ तो पहन के चले गए मैं नई जींस थी बताओ भाई उस दीदी तक मेरी बात पहुँच जानी चाहिए कोशिश तो यही है अंजुश्री अंजुश्री जी हाँ पूरा भाई पूरा मकड़िया लो भाई ध्यान ध्यान से भाई कभी शरीर यहाँ रह जाए आधा शरीर बाहर रह जाए क्या लिखा है ब्यूटी पोइजन आयुष क्या बात है भाई गुटी फुल भाई गुटी फुल आयुष गुटी फुल भाई चलो गाइस तो चलते आज का मिनी ब्लॉग मिनी ब्लॉग बहुत प्यारा रहा हमारा मिनी ब्लॉग गाइस मैं जानता हूँ ये हमारा सबसे छोटा ब्लॉग है क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ अगर ब्लॉग अच्छा नहीं होता तो भी जानता हूँ मैं बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्या था नहीं एक ही बार बोल पाता अच्छा। ज्यादा नहीं बोला सही था ना सही बोलता क्या भाई सही सही ठीक था तो बहुत ही मजेदार था छोटी मोटी चीजें थी अल्फाज बहुत बढ़िया सिंगर था तो है सॉरी है अच्छा बहुत बढ़िया गाने थे उनके तो गाइस आपको पता है कि चावलों के अंदर नहीं इसमें है नमक के अंदर चावल के अंदर चावल को डाल के रखते हैं क्यों अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए वरना मैं बता ही दूंगा इसका राज खोलेंगे अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं आपके साथ शब बखैर शुभ रात्रि जय सियाराम राधे राधे चल भाई तू भी एंड कर दे तेरे हिसाब से भाई बट डायंसी कर दे हैं क्रिमिनल सी लड़की है ये ऐसा लगता है लखनऊ से दो तीन कत्ल करके आई है प्रोफेशनल और लगती कोट पैंट पहन के देखो प्रोफेशनल प्रोफेशनल किलर है प्रोफेशनल किलर भाई ये मारती है प्लास से भाई कांगे है वो मेरा कांटे वाले फोक से भाई भाई दो तो पहली है एक और सही भाई तुम्हारा दो तो पहले से ये कसाई आपसरी में घमासान युद्ध करते हुए हसिया जलाती हूँ भाई हसिया चला के ऐसे मार देते लगती भी तू लगती नहीं कोट पैंट पहन के प्रोफेशनल कोट पैंट पहन के हसिया चलाऊंगी लगता मुझे इस मैटर से दूर रहना चाहिए भाई बैगन भाई इसने पता है पहले क्या लिया था एक प्रण लिया था इसने आशी ने जो भी ब्लॉगर होगा ना गले में यहाँ तो मैं ब्लॉगर कहा हूँ ब्लॉगर हूँ ब्लॉगर की बात थी ब्लॉगर नहीं हो ब्लॉगर हूँ ब्लॉगर की बात थी गर्दन का ऐसी गर्दन ही नहीं है भाई गर्दन क्यों नहीं है भाई तुम्हारी है भाई एक है हमारे प्राणियों की गर्दन हमारी गर्दन पे पता नहीं कितने कितने टैटू बन जाते हैं भाई परमानेंट करा दो दो चार दिन नहीं भाई टेम्परेली अच्छे लगते हैं टेम्परेली भाई टेम्पो वाली कौन सी टेम्पो वाली ई रिक्शा वाली भाई
तो भाई हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर में बहुत सारे ई रिक्शे बैन कर दिए हैं, अगर आपको पता हो तो, जिनके पास एक लिमिटेड बार से वो बैन कर दिए, लेकिन भाई हो गए बंद हो गए भाई ई रिक्शे नहीं, अच्छा अभी तक ई रिक्शे नहीं, मैं उसकी तो बात कर रही हूं, बहुत ही स्नैपचैट पे स्ट्रीक का सिस्टम एक मार्च से बंद, अच्छा और जितनी बनानी बना लो, एक मार्च से बंद स्नैप पे, हां जिन लोगों की 115 वो क्या होते, मैं तो बनाता ही नहीं वो उन कोका कोला तू चुरा लिया मैं गिलास ही बचता है शोला शोला तू यूं लुट कर भी तेरे बदन की लाली को तो गाइस ये कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं कोई, भाई तू ये चाकू हटा दे मेरे गर्दन पे से बता रहा हूँ तो कुछ कह नहीं सकते, मैं यूं ही बोलता हूँ वैसा, कुछ कह नहीं सकते अगला व्लॉग आएगा नहीं आएगा भाई, मेरे चाहने वाले बहुत है तो क्या कर लेंगे तुम्हारे चाहने वाले, तू बच नहीं पाएगी बैगन आएगी इसके पैसे प्रोफेशनल है बीट तो आ रहे भाई लड़का आ गया बीट तो भाई बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाए भाई बंद कर, जल्दी बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, कॉपीराइट आएगा भाई, तुम गिलास बंद बजाओ कॉपीराइट आ जाएगा भाई, फेंक दो निकाल के फेंक दो, कुछ नहीं बजा भाई, कुछ नहीं बजा इसमें से, कुछ भी नहीं भाई खाली, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा भाई। तो हे गाइस आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, शायद नहीं भाई मेरी गर्दन में चाव कट गया, तो मिल सकता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अभी नेक्स्ट व्लॉग आ जाएगा, ये बहुत छोटा व्लॉग था मैं जानता हूँ, बैठे बैठे जानता हूँ क्योंकि मैं सब जानता हूँ, अगर व्लॉग मेरी खट्टी टॉफी वाली वीडियो तो जस्सी की वीडियो खट्टी टॉफी की भाई भाई, तो घट्टी वीडियो वाली दिखा, क्या दिखा रही भाई, तो कुछ ना कुछ तो ढूंढ रही है भाई, अरे अफसोस कस्टमर है कब, अरे भैया कस्टमर है का, हाँ घुमा देंगे जंगल है पूरा, 500 रुपये लेंगे, 500 अरे भैया ज़्यादा ले रहे हो, नहीं भैया 500 लेंगे, देख लो भैया बाद में आऊँगा मेरे को तो, अरे तुम जाओ यार दो कस्टमर निकल रहे तुम्हारे, सुबह सुबह यार तुम भी, यार तुम भी सुबह सुबह यार दिमाग खराब, बाय 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 बाय, पीछे पीछे कुछ ना कुछ तो बोल भी आए हुए, आयुष मेरा नाम क्यों ले रहे भाई लोग, पता नहीं भाई पूछो उधर, हल्का सा मुंह उधर करके पूछ सकते हो, मेरा नाम मतलब नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, चॉकलेट कॉपीराइट आ जाएगा भाई, मैंने सुना आप चीजों का ध्यान नहीं रखते भाई, मैंने खट्टी टॉफी खाई है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो ये भी बता सकता हूँ क्या, कि मेरे चाचू मेरे लिए गिटार लाए थे, उर्स के लिए गाल लाए थे, हंसी के लिए झुंझुना लाए थे, झुंझुना लाए थे हंसी के लिए, जैसे आए थे लगने तो मेरे लिए झुंझुना लेकर आए, वो तो सब ठीक है लेकिन तुम उनका ख्याल क्यों नहीं रखते, लेकिन मेरे गिटार में सेल खत्म हो गए, रखता हूँ मेरे गिटार में सेल खत्म हो गए, बस सेल खत्म हो गए, हाँ मेरे गिटार में सेल खत्म हो गए, अच्छा अच्छे बच्चे बनोगे नहीं बनोगे, बनूंगा लेकिन मेरे गिटार में सेल खत्म हो गए, मैनेजर साहब मिशन सक्सेसफुल, हाँ जी आज भाई कुछ स्मार्ट से तो लग ही रहे हो कैमरे में, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैंने मेरे चाचा ना मेरे लिए एरोप्लेन लाए थे, अपने नाम के लिए कार लाए थे, रीता के लिए डॉल लाए थे, और
झुंझुना नहीं बता हां गुड बॉय बनना है ओके मेरे पास तो रेड रख लेने और अग्नि नाल के बास कार घूमने वाली अच्छा तो गाइस सब कुछ बंद करो तो गाइस फिर से आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। एंड तो मैं बहुत पहले ही करते थे लेकिन कर नहीं पा रहा था इन लोगों के चक्करों में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो सभी अपना ध्यान रखें और मेरे साथ बने रहें और सभी को आई लव यू। ये लो इनको आई लव यू टू का जवाब मिलना चाहिए। पुच्ची आई है, पुच्ची वापस आनी चाहिए। लगातार 3 करोड़ पुच्ची है वापस आनी चाहिए। तो चलते हैं, बाय कर दो भाई। बाय गाइस। प्रैंक करा था भाई, सामने कैमरा लग रहा है, देखो कैमरा भाई फोन में। हाय कैमरा भाई, इनकी आंखों में कैमरा लगा रखा तुमने बुद्ध जी के। अरे यार ये क्या चीज है भाई, बुद्ध जी ये तो जी। मैंने खट्टी टोपी खाई थी। हैं दिखा जी, मैंने खट्टी टोपी खाई थी। डरा रहा है ये कब बना के बेचता। जी मैंने खट्टी टोपी खाई थी। पर डरा रहा है ये बता रहा है। मैंने खट्टी टोपी खाई थी। मैं तो देख के डर गई थी, इसने व्हाट्सएप पे भेजी थी भाई। क्यों बना के भेजा था इसने? खाई थी तो खाई थी खट्टी टॉफी, मीठी खा ले मीठी टॉफी। तो गाइस फिर से व्लॉग एंड कर रहे हैं भाई। फिर से उड़ चला। अरे नहीं, फिर से व्लॉग एंड कर रहे हैं। ये नहीं भाई, फिर से उड़ चला। तो गाइस चले टन टन चलते हैं। बाय। इस बार सच में भाई।